Hey guys, welcome back to another vlog. आप मैं दोनों साथ में इस व्लॉग को एंजॉय करने वाले हैं। किसी ने आज कमेंट कर दिया है कि नवीन के मम्मी पापा का व्लॉग इज बेटर देन एनवाई। यू नो व्हाट? आई कंप्लीटली एग्री। मेरा लाइफ इतना एंटरटेनिंग है नहीं। जो फील्ड मैंने चूज कर लिया है, व्लॉगिंग शुड हैव बीन द लास्ट थिंग आई शुड हैव चोजन, बट देन अगेन अपनी लिमिट्स को पुश करना इज व्हाट यू गॉट टू डू एवरी सिंगल टाइम यू स्टार्ट समथिंग न्यू। तो ये एक बेसिकली एक एक्सरसाइज था मेरे लिए, ताकि मैं थोड़ा सा सोशल हो सकूं, ताकि मैं इस कमरे से बाहर निकल सकूं और ताकि मैं चीजें कर सकूं, ताकि मेरे पास एक मोटिवेशन हो चीजों को करने का भी। सो व्लॉगिंग हैज हेल्प मी बिकम मोर सोशल एंड मोर एंथुजियास्टिक, राइट? लाइक अब मैं सो रहा होता, अभी मेरे को जाना पड़ेगा, बट आई एम ग्लैड दैट यू पीपल आर लाइकिंग माई पेरेंट्स व्लॉग्स। ऑब्वियसली लाइक वाई वुड यू नॉट वॉन्ट टू वॉच माई पेरेंट्स डू एनीथिंग, लाइक दे आर एंटरटेनिंग एंड माई मॉम स्पेशली। यू विल सी मोर ऑफ देम एंड यू विल सी मोर ऑफ मी एज वेल। तीन लोग हैं, तीनों लोग व्लॉग बनाएंगे, तीनों लोग आपको एंटरटेन करेंगे, मत टेंशन लो। अभी चलते हैं बाहर, बताऊंगा नहीं, देखते रहो। पहले बता दिया तो फिर देखोगे ही नहीं, है ना? चलो। फटाफट से हम सड़क पे चलते चलते पहुंच गए हैं एक फ्रेंड को पिक करने के लिए। प्लान क्या है, व्लॉग देखते रहो, पता चल जाएगा। शिट करने की जरूरत नहीं, मैं आ गया। मतलब मैंने सोचा नहीं था कि नहीं नहीं लेना है तुमको, नहीं लेना है तुमको। जो तुमको जानते हैं वो जानते हैं, जो नहीं जानते उनके लिए। तो अभी हम आए हैं एडवेंचर आइलैंड में। मैं लास्ट गया था 2000, ये याद है? मेरा फेसबुक अकाउंट खोलना, और उसमें पुरानी फोटोज देखना 2010 की शायद। अच्छा, 10 में। हाँ, और आईबी स्कूल की ड्रेस में मैं एडवेंचर आइलैंड में एडवेंचर कर रहा था। एक एक चीज इस जगह के बारे में विविडली, बाय द वे। भैया इससे क्या होता? हाँ, साफ। अच्छा, एक बुक अभी आ गए भैया के पास, तो लेनी पड़ेगी। अ लॉट ऑफ पीपल विल हैव अ पॉइंट ओपिनियन गुरुजी के बारे में। ये सब पहले नहीं था यहाँ पे, ऐसा कुछ बैठने का लगाना चाहिए था कि लोग बैठ के इंजॉय। मेरे थॉट्स तो ऐसे ही हैं कि कुछ ना कुछ गलत सलत कुछ ना बोल दूं, वायरल हो जाऊं, पर एक ही वीडियो वायरल होगा, फिर मैं उसको फिर बार बार गंदी बातें करनी पड़ेगी ना, तो वो तो मैं नहीं हूँ ना। एक बार गलती से गंदी बात कर सकता हूँ, हर रोज नहीं कर सकता। आई थिंक आई रिमेम्बर, क्योंकि मेरी एक सीडी पे फोटो है, इस वाली सीडी पे, ये मुझे याद है। तो इस पे तो हॉरर हाउस बनाना जरूरी है। मतलब यार, दे हैव दिस ऐसा रेड रेड और ये सब, ये तो होली पे ऐसा गलती से कलर लग जाता है चारों तरफ, तो उस जैसा लग रहा है। भाई साहब, बिल्कुल ही सन्नाटा है यहाँ, तो कोई आता ही नहीं है। ये देखो ना, नीचे बस खाली घूम रहे हैं यहाँ पे रात को। बहुत रश होता है गाड़ियों, ये यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ कौन गाड़ियाँ बेचने आएगा? जो मैं बोलना चाहता हूँ कि जैसे बचपन की बहुत सारी यादें होती हैं जो आपके दिमाग में ऐसे होती हैं कि मतलब एग्जैजरेटेड वर्जन ऑफ थिंग्स होता है, जो कि मुझे अभी रियलाइज हुआ है कि एडवेंचर आइलैंड का भट्टा बैठ चुका है। एक्चुअली एडवेंचर नहीं था। हाँ, और इट्स नॉट दैट गुड। और अभी ये मतलब हम अंदर गए नहीं थे, 6 बजे तक खुला रहता है, 11 से 6। अभी प्लान ये है, तुम आगे व्लॉग देखो और तुमको प्लान पता चलेगा। आई डोंट नो वेयर द मूवी थिएटर इज, तुमको पता होना चाहिए ना। उसने मेरे को बोला कि थर्ड फ्लोर है। कैसा मूवी थिएटर? PVR वाइट साइड। व्लॉग नंबर 1 वाज शॉट हेयर, और कौन सी मूवी थी मेरे को वो नहीं याद है, बट ये वाला पे नहीं जाना है। PVR डायरेक्टर्स कट है, ये हमें सस्ते वाले पे जाना है। वो वाला PVR, ये वो नहीं है, ये अमीरो वाला PVR है, ये डायरेक्टर्स कट है। दूसरे मॉल में जाना है हमें, दूसरे PVR, सस्ते वाला मॉल है गाइस, हम अमीर वाले में चले गए थे। यहाँ पे मेरा पहला व्लॉग शूट हुआ था। गाइस, तो आ गया है घर वापस, और अपडेट मैं आपको दे देता हूँ मूवी के बारे में कि मूवी इतनी ज्यादा अच्छी है, मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी। उस मूवी को जरूर देख लेना, मूवी का नाम है अटैक, जो कि थिएटर में लगी हुई है, कुछ टाइम बाद OTT पे आ जाएगी। 50 करोड़ के बजट में, जॉन इब्राहिम में अलग तरह की मूवी बनाई है सुपर सोल्जर के बारे में, जो कि इंडिया बॉलीवुड के हिसाब से बहुत ही आगे है थॉट में,
ठीक है, इट्स द विजन दैट काउंट्स। अगर आपकी विजन अच्छी है ना, तो दुनिया का कोई भी इंसान, दुनिया का कोई भी ताकत, दुनिया का कोई भी बजट आपको रोक नहीं सकता एक अच्छे कंटेंट बनाने से। अटैक इज एन एग्जांपल। अटैक की विजन बहुत जबरदस्त है। अटैक में जो दिखाया गया है, जैसे दिखाया गया है, जितने बजट में दिखाया गया है, वो बहुत बेहतरीन है। इफ यू हैव टाइम एंड इफ यू हैव मनी, वॉच अटैक। इसी के साथ करते हैं इस व्लॉग को खत्म। आई रियली होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो। ख्याल रखो अपना, ख्याल रखो अपने परिवार वालों का। बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट। पीस।